लिगेंड एंड टाइप ऑफ लिगेंड आज का टॉपिक है बच्चों, और बिल्कुल हटके सबसे अलग है ना बताया जाएगा। सिर्फ बोर्ड पर नजर रखेंगे, 100% की गारंटी है बच्चों, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन, किसी एक कंपाउंड को पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं। जैसे है K4FeCN का होल 6, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले कोई भी कंपाउंड में बड़ी ब्रैकेट से घिरा हुआ हो समझिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब बच्चों ये जो है बड़ी ब्रैकेट में जो मॉलिक्यूल्स एटम आयन हो है ना उसको कहते हैं, इसको पहले लिख दीजिए FeCN होल 6 है ना, इस पार्ट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, इस पार्ट को क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और कहता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो पहला एलिमेंट है उसको कहते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल भी कह सकते हैं। और वो एटम जो होगा ट्रांजिशन मेटल होगा। और बाकी जो भी बचेगा है ना सेंट्रल एटम के बाद वो बच्चों आपका क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। और यही लिगेंड के बारे में बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बोर्ड पर नजर रखेंगे। ये लिगेंड क्या है, तो कहता है जो लिगेंड है सेंट्रल एटम को घेर के रखता है ना। जैसे आयरन है सेंट्रल एटम, तो कहता है कि इस सेंट्रल एटम से सभी बॉन्डेड रहता है ना, सभी क्या रहता है बाउंडेड रहता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सभी इसको घेर के रखता है। यही है लिगेंड जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ रहता है। तो आपसे पूछेगा लिगेंड है क्या, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड द आयन और मोलेक्यूल्स, आयन भी हो सकता है मोलेक्यूल्स भी हो सकता है, मोलेक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयन है ना, सेंट्रल एटम आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड है ना। कहता है द आयन और मोलिक्यूल्स, कहता है आयन भी हो सकता है या मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, बाउंड टू सेंट्रल एटम से बॉन्डेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही रहेगा है ना, आर कॉल्ड लिगेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों लिगेंड कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड के कई प्रकार है। पहला है बच्चों योनी डेंटेट और इसको कहेंगे मोनोडेंटेट, कहीं मोनो रहेगा कहीं योनी रहेगा, मोनोडेंटेट है ना, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट, यानी दोज लिगेंड
लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम आर नोन एज यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, जो भी बोलिए। कहता है वैसा लिगेंड जिसमें सिर्फ एक डोनर एटम हो। एग्जाम्पल में बच्चों देख लेते हैं, Cl- है, Br- है, OH- है, H2O है, NH3 है, ये सब जो है यूनिडेंटेड। इसमें क्या है कि इसमें जितना भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन लॉस करेगा हमेशा वन पेयर को डोनेट करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिडेंटेड। अब बच्चों इसमें ध्यान देंगे, डेंटिसिटी एक शब्द आ रहा है। डेंटिसिटी है क्या? तो कहता है कि डेंटिसिटी जितना पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसी को कहते हैं डेंटिसिटी। तो बच्चों इसको लिखा जाए डेंटिसिटी को, द नंबर ऑफ लोन पेयर, द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड यानी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड यानी डोनेट करता हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेटेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब है बच्चों दूसरा लिगेंड यानी डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, है ना? बच्चों लिखा जाए दूसरा डाइडेंटेट लिगेंड, है ना? तो कहता है कि डायमींस दो होता है तो दो डोनर आइटम होगा, ट्राई थ्री तीन डोनर आइटम होगा, टेट्राचा इस तरह से तो 100 तक हो जाएगा, लेकिन दो के बाद बच्चों पॉलीडेंटेट आ जाता है ना, या टेट्राडेंटेट भी होता है। दोज लिगेंड विच हैव ओनली टू डोनर एटम्स आर नोन एज डाइडेंटेट। अब बच्चों इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, CH2 है, एक NH2 जोड़ दीजिए इसमें, और ACH2 है, एक NH2 जोड़ दीजिए इसमें, यानी आपका ये क्या बन जाएगा, इथेन। दो कार्बन को इथेन कहते हैं, 1,2-ethane, अब 1 पर भी है 2 पर भी है, क्या है, एमीन, इथेन डाय 1,2 कर दीजिए, इथेन 1,2 डाय एमीन C2O4-2, ए हो गया ऑक्सीजन। यही तो है बच्चों डाइडेंटेट लिगेंड्स। अब है तीसरा पॉलीडेंटेट लिगेंड, दोज लिगेंड Which have several donor atoms
आर नॉन एज पॉली डेंटेट लिगेंड है, कहता है कि जिसमें सेवरल या दो या तीन से अधिक है ना डोनर एटम हो उसको कहेंगे पॉलीडेंटेट। अब बच्चों हम लोग एग्जांपल में देखते हैं ई डी टी ए, इसको ऐसे करेंगे फोर माइनस, इसका नाम है इथेन, इथेन नहीं इथिलीन डाय एमीन टेट्रा एसीटेट आयन है, टेट्रा एसीटेट आयन। ये जो है बच्चों हेक्सा हेक्सा डेंटेट लिगेंड, हेक्सा डेंटेट लिगेंड इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं इस प्रकार से, H2C नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, H2C नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और A जो है दो दो एसीटेट आयन से जुड़ा हुआ है, यानी CH2COO- यहाँ करेंगे CH2COO- CH2COO-। इसमें बच्चों दो नाइट्रोजन है और चार ऑक्सीजन है, तो यहाँ बच्चों लिख लेते हैं है ना, इट कैन वाइंड थ्रू टू नाइट्रोजन एंड फोर ऑक्सीजन टू ए सेंट्रल एटम। कहता है कि सेंट्रल एटम से दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन, यानी चार दो छह, यानी हेक्सा डेंटेट लिगेंड है ना बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब जो है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण लिगेंड एम्बीडेंटेट लिगेंड है ना, तो बच्चों इसको लिखा जाए सबसे महत्वपूर्ण लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड ये जो है बच्चों लिगेंड सबसे महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए बोर्ड पर नजर रखना होगा, आसानी से समझ जाएगा। कहता है एम्बीडेंटेट लिगेंड वैसा लिगेंड जिसके पास या जिसमें एक से अधिक डोनेटिंग साइट हो, लेकिन अगर दो है तो दो में से एक ही साइट जो है लोन पेयर डोनेट करेगा है ना, यही है एमबी डेंटेट है ना, तो बच्चों इसको लिखा जाए एमबी डेंटेट लिगेंड हैज टू डिफरेंट डोनेटिंग साइट है ना, एक से अधिक यानी तो दोनों अलग अलग डोनेटिंग साइट हो है ना, बट एनी वन डोनेटिंग साइट बी डोनेटेड एट ए टाइम, लेकिन एक समय में एक ही साइट डोनेट करेगा लोन पेयर को है। एग्जांपल में बच्चों NO2 है, SCN है,
CN माइनस है। अब ए तीनों में बच्चों एक को अगर समझेंगे तो बाकी सब आसानी से समझ गए। जैसे है साइनाइड ग्रुप CN माइनस, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों होगा कार्बन नाइट्रोजन, दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन पर जो है बच्चों वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, है। अब यहाँ देखना है कि कार्बन भी डोनेटिंग साइट है और नाइट्रोजन भी डोनेटिंग साइट है, लेकिन एक समय में एक ही साइट जो है लोन पेयर डोनेट करेगा। अब ए जो है नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट देन कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लोभ होता है, प्रीत होता है, इसलिए कार्बन जो है ए करेगा, यानी कार्बन जो है नाइट्रोजन से अधिक डोनेटिंग साइट है। यही तो है बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड। रेगुलर क्लास करते रहिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।